बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, यूएई ने जो 2024 के मुताबिक न्यू रूल्स बनाए हैं ना, उन रूल्स के मुताबिक जितने भी एम्प्लॉयमेंट वीज़े निकल रहे हैं, बहुत सारे भाइयों के जो सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि रईस भाई, जो न्यू लॉ के मुताबिक वीज़े कैसे मिलेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करने पड़ेंगे, या कौन सी डिग्रीज जो हैं या कौन से डिप्लोमे हैं जो हम देंगे तो हमको वीज़ा मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो मैंने पर्सनली तौर पे पता किया है कि जो लेबर कैटेगरी के हैं ना, मिसाल के तौर पे जो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, या जो ड्राइवर है, या जिसके पास जिसने वहाँ पे मेहनत मजदूरी करने जाना है, लेबर में जाना है या कंस्ट्रक्शन में जाना है, वो भाई किसी भी किस्म का डिप्लोमा या अपना, जाहिर सी बात है जो मजदूर भाई हैं उनके पास कहाँ से डिप्लोमे हैं, वो कहाँ से डिप्लोमे देंगे। तो इन चीज़ों के तो डिप्लोमे होते नहीं, इनकी एजुकेशन तो जाहिर बात है वो ज़िंदगी के साथ साथ सीखते हैं, तो इनको डिप्लोमे वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, आईडी कार्ड वगैरह और पिक्चर्स वगैरह दें तो इनको वीज़े अप्लाई हो जाते हैं, इनके वीज़े मिल जाते हैं। लेकिन जो मेरे भाई आप अपर लेवल पे जॉब करना चाहते हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं अपर लेवल का, जो मिसाल के तौर पे ऑफिस में अकाउंटेंट हो गया या जो इंजीनियर हो गए, ऐसे वीज़े जो हैं उनके लिए डिप्लोमे आपको लाजमी देने पड़ेंगे, और जो डिप्लोमे आप देंगे वो मिनिस्ट्री से, फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्टेड होने चाहिए। आपको ये बात याद रखनी है कि जिनके पास एजुकेशन है, जो अपर लेवल के जॉब करना चाहते हैं और वहाँ से आप वीज़ा मंगवा रहे हैं या आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे भेजने हैं, सेंड करने हैं, वो मिनिस्ट्री से अटेस्टेड लाजमी होने चाहिए। अगर आप मिनिस्ट्री से वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं करवाएंगे तो आपको वीज़ा जो है ना नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका मिसाल के तौर पे 50 वीज़े वहाँ से निकल रहे हैं ना, तो 50 वीज़ों में से कोई 2, 4, 5 वीज़े रिजेक्ट हो भी जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो वीज़े अप्रूव होते हैं, लोग उन चीज़ों पे गौर नहीं करते, वो चीज़ें नहीं देखते, लेकिन जो वीज़े रिजेक्ट होते हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि जी ये वीज़ा रिजेक्ट भी हो गया है। तो आप इन चीज़ों पे गौर करें, इन चीज़ों को देखें, ठीक है। अगर आपके पास, अगर किसी ने कंपनी वहाँ पे रजिस्टर की है तो उसको कोटा मिला ना 10 वीज़ों का, तो 10 वीज़ों में से वीज़े रिजेक्ट होने की वजह भी यही है कि उन 10 वीज़ों में से आप 10 के 10 पाकिस्तानी नहीं बुला सकते। वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि आप 10 वीज़े हैं आपके पास, आप 4 पाकिस्तानी बुला लें, 3, 4 इंडियन बुला लें, बंगाली बुला लें, यानी आप एशियन कंट्रीज़ में से मिक्स बंदे बुलाएं, इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी, श्रीलंका के भी, बांग्लादेश के भी, आप सिर्फ एक कंट्री के बंदे नहीं बुला सकते। तो इन चीज़ों पे आपने तवज्जो देनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कोई भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, आपके 10 के 10 वीज़े ही अप्रूव होंगे। तो जो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे हैं ना कि रईस भाई वीज़े रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़े, उसकी वजह ये है कि आपने कंपनी वालों ने जो बंदे हैं वो ऑल कंट्रीज में से बुलाने हैं, सिर्फ एक कंट्री के नहीं बुलाने। तो दूसरे नंबर पे जो पूछ रहे हैं डिप्लोमा का, तो जो बंदा इलेक्ट्रिशियन है उसको डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, या जो बंदा प्लम्बर है, ड्राइवर है, उन बंदों को डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है। डिप्लोमे सिर्फ उन बंदों के चाहिए, या स्टडी एजुकेशन प्रूफ सिर्फ उनका चाहिए जिन्होंने वहाँ जाके अपर लेवल पे जॉब करनी है, जो इंजीनियर्स हो गए या जो वहाँ पे ऑफिस में जॉब करने के लिए अकाउंटेंट वगैरह हो गए, उनके लिए डिप्लोमा अटेस्टेड होना जो है ना वो लाजमी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मुझे इजाज़त, आपका भाई मियाँ रईस महर। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि दूसरे भाइयों तक भी ये इन्फॉर्मेशन बआसानी से पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।